बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। ये प्रसंग थोड़ा बहुत पहले मैंने उठाया है, आइए थोड़े बंधन देखते हैं। बड़ी विडंबना है, एक भी बंधन नहीं दिखता है। ये जीव तो बंधा है, इसमें दो राय नहीं है। हम सब कह भी रहे हैं माया के अधीन है। मोह सकल व्याधन को मूला तासे उपजत बहुत भावित सुला। बंधे तो हैं ही, अब साहब करें मन का अविद्या, मन की मन तो, माया तो एक है, माया मन है समाय। त्रिया जुगल मन भूप की, इस मन की दो स्त्रियां, तीन दिग सब संपत्ति, तीन लोग का राजा मन है। एक नाम प्रवृत्ति है, एक नाम निवृत्ति। आइए हम प्रवृत्ति पर बात करें। प्रथम पुत्र प्रवृत्ति के भयो मोह भयभीत, मोह, इस मोह पर गोस्वामी जी ने भी कहा है अगर इंसान को बांधने वाली चीजें वो इसी के साथ हैं। मोह सकल व्याधिन को बुला तासे उपजत बहुविध सूला। दूजो सत उत्पत भयो काम सकल जगजीत, इनका दूसरा पुत्र है काम, बड़ा प्रबल है, एक से एक शक्तिशाली है। महाक्रूर भव तीसरो क्रोध नाम अति तेज। आप देखें जब इंसान को क्रोध आता है तो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। ये सब नाटक इस शरीर में हो रहा है, तभी तो साहेब वाणी में कह रहे हैं चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। चौथा अति दारुण भयो लोभ पाप को एज, चौथा इसका पुत्र है लोभ। दंभ पुत्र भयो पंचमो छठो गर्भ परिवार, पांचवा दंभ। जब भी आते मस्तिष्क पर एक असर डालते, आदमी इनसे बच नहीं पा रहा है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी इनके लपेटे में आए। अब यहां एक शब्द साहब कह रहे हैं बड़ा सार्थक, मन है निरंजन सब है न चाहे, पर नाम होए ते मात न आए। कितनी अद्भुत ताकत इस नाम से प्राप्त हो जाती है। सातो मत उत्पन्न भयो, सातो मत उत्पत्त भयो, विकट वीर विकरार, बड़ा विकरार और विकट है। अष्टम पुत्र प्रवृत्ति के नाम अधर अधर्म कुरूप। आप देखना ये सिर्फ फीलिंग्स, मन निराकार है, इसलिए जो इनकी उत्पत्ति इसके जो अंश है वो भी नहीं दिखते हैं। न तो काम आते हुए दिखता है, न तो क्रोध आते हुए दिखता है, न तो लोभ आते हुए दिखता है, न तो अहंकार आते दिखता है, दंभता है। इसलिए यहां साहब क्या कह रहे हैं विषमृत रहतिक संगा, विषमृत रहतिक संगा मल्यागिर में रहत भुजंगा। इसमें विष और अमृत दोनों एक साथ रह रहे हैं।
आठों पुत्र प्रवृत्ति के असत्य वासनाधीर, ये बहुत विकट है। अगर आत्मा निर्मल है ना, तो फिर जरूर जब मनुष्य के अंतःकरण को देखते हैं तो गड़बड़ लग ही रही है। तभी तो साहब कह रहे हैं चश्मे दिल से देख तू, चश्मे दिल यानी अंदर की आंख से, क्या क्या तमाशे हो रहे दिल सता, क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। मुक्ति पंथ के चरण गह डारत हैं भवकू, इनका काम इस आत्मा को उलझा कर रखना है। क्यों उलझाना? शेर को रस्सी से नहीं बांधते, पिंजरे में रखते, बहुत शक्तिशाली। शेर का जिस्म ही 6.5-7 फीट हो जाता है, फिर उसका पीछे का पैर 2 फीट होता है, तो ये 9 फीट तो ये हुआ, 2 फीट आगे ये पंजाबों पर उठा लेता है। कुछ लोग एक गफलत में है कि पेड़ पे चढ़ जाओ तो शेर कुछ नहीं कर पाएगा। ओ भैया, कहीं गफलत में नहीं रहना। और खड़े में शेर पांच छह फीट खड़े में जंप लगा देता है, इंसान 1.5 फीट से ज्यादा नहीं लगा सकता। वो 6-7 फीट खड़े में भी लगा लेता है, सीधा ऐसे हॉरिजेंटल तो 28 फीट जंप लगाता है, वर्टिकल 6-7 फीट। इसका मतलब 15-16 फीट के पेड़ के ऊपर अगर आप है ना, नोच के गिरा देगा एक ही पंजे से, 15-16 फीट के पेड़ पर। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, ऊंचाई पर मांस का टुकड़ा बड़ा बांधा हुआ और शेर दौड़ के आकर उसको पंजा मारता है, आखिर में गिरा देता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, ये जितने भी अंदर में रहने वाले दुश्मन हैं बड़े हिंसक हैं, इस आत्मा को इन्होंने परेशान कर रखा है। इंसान की सेहत जब गुम होती है, अच्छा तंदुरुस्ती का भी एक आनंद है, इस आनंद की अनुभूति कब करता है इंसान? जब इसे बुखार हो जाए, तो सेहत गुम हो जाती है बुखार के अंदर, उसे तब पता चलता है सेहत का एक कंटिन्यू मजा है। इस प्रकार से आत्मा का एक आनंद है, पर इन सब ने अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, इन सब मिल जीवई घेरा, इन सब मिल जीवई घेरा, बिना नाम यह जीव को चेरा। ये जैसे जैसे तरंगे देते हैं वैसे वैसे जीव काम करता जाता है, इसको पता ही नहीं चलता है। और ये दिल में सोचता है ये मेरी फीलिंग है, नहीं आपकी फीलिंग क्या, आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है। ये खेल बहुत सलीके से हो रहा है, बड़े तरीके से इस आत्मा को बांधा हुआ है। साहब ने इसका पूरा पूरा विवरण और निरूपण दिया है, जरूर इंसान बना है। जब धीरे धीरे सेहत वापस आती है, वो अभी अच्छी सेहत की तलाश में होता है इंसान, क्योंकि जब फीवर आ गया तो भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है, चैन भी नहीं पड़ता है। इस तरह आत्मा इनके साथ अभी खुद अपने को बेचैन महसूस कर रही है। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना, हे अंसा तेरा घर तो आनंद कुंड है, तो इस संसार में भूला हुआ घूम रहा है। अब इनका परिवार कहते हैं साहब, करें वर्णन वर्णन करो कुटुंब, जो जाको सुतीर। अब इन आठों का वर्णन साहब कर रहे हैं, महामोह की नारी प्रिय, मोह की स्त्री प्रिया है, प्रिया
कैसा? जब मोह होगा किसी चीज में तो प्रेम भी आ जाएगी, वो कहेगी हाँ इसके बिना आप नहीं रह सकते। ये सब खेल हो रहा है इस शरीर के अंदर। मिथ्या दृष्टि प्रमाण, तास पुत्र, तास अहंकार है, ममता वधु सुजान, और ममता उसकी बहू है, पुत्र है अहंकार है। क्या अहंकार? मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, जो ये मेरा मेरा है, ये अहंकार है। अब तीन लोग का वर्णन आता है, जब पूछता हूं भाई तीन लोग को क्या है, तो कहते हैं स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल। आइए थोड़ा इस पर भी बात कर लें। ये तीनों गुण से उत्पत्त हुई है सब चीज, सतोगुण से स्वर्ग आदि देवलोक है, रजोगुण से मृत्युलोक है, तमोगुण से पाताल है। आपने देखा होगा बहुत से जीव समुद्र में रहते हैं, समुद्र में इतने जीव हैं आदमी गिन नहीं पाएगा। वैसे जल की 9 लाख योनियां हैं जलचर, पर बहुत अधिक मात्रा में सतोगुण से सतलोक आदि है। इसलिए भक्ति भी तीन ही है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये तीनों काल पुरुष की भक्ति है, इसलिए साहब ने इन तीनों से परे उस देश की बात की है। पर जो ठीक से नहीं सुनता है, नहीं समझता है, फिर वो अपने तरीके से बात करता है। अब काम का परिवार, मदन लाल रति प्रकट है, लालच स्वर्ण बखान। काम की स्त्री है रति। अभी आपको बताते रति क्या हुआ है। रति सेक्स को कहते हैं, सेक्स के समय जो क्रिया होती है वो रति है। रति के बिना सेक्स नहीं होता। लालच स्वर्ण बखान, उसका पुत्र है लालच। लोलुपता ताकि वधु रंच नहीं परमान। बड़ी लोलुपता किसको कहते हैं? लालच से भी भयंकर है, और आए धन लोलुपता, उसी में लिप्त हो जाना। ये सब दोष प्रकट दिख रहे हैं इस देह के अंदर। साहब की वाणी तुकबंदी नहीं है, यथार्थ है। ये सब अपना काम कर रहे हैं तरंगों से। आप देखो इंटरनेट की तरंगों से पूरा काम हो रहा है ना। 7 समुद्र पार बैठा हुआ आदमी, आपको तरंगों से उसकी तस्वीर भी दिख रही है, बातचीत भी हो रही है। अब क्रोध का परिवार, ये बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े योद्धाओं को अपने अधीन किया, देवगण गंधर्व सबको अधीन किया। क्रोध नार हिंसा असत ताको सुत अविचार। क्रोध की स्त्री है अहिंसा, हिंसा हिंसा। जब क्रोध आएगा तो हिंसा देवी भी खड़ी होती है, और मारो, ये हिंसा, किसी को कष्ट देने की भावना पहले हृदय में उत्पन्न होती है, तब ये शरीर काम करता है। ताको सुत अविचार, उसका पित्र है अविचार, मारो। अविचार क्या करता है? सोचने नहीं देता है, वो सोचने नहीं देता है। अगर किसी को मारने से पहले आप ये सोचे लोग कि भाई मुझे फिर कारागार जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तो आप नहीं मारेंगे। इतने में अविचार आता है, कहता है छोड़ो, वो विचार को दबाता है, पहले मारो बाद में देख लेंगे। फिर क्या करता है बेवकूफ, मारकर छिपता है इधर उधर। अरे ये पहले ही सोचना था ना, और पकड़ा तो जाना ही है, व्यवस्था ऐसी है। भूल वधु ताकि कठिन पोषे सब परिवार, साथ में भूल आएगी, वो उनकी बहू है, वो पिछली बात बुला देगी, बोला मारो पहले,
अब साहब क्या बोल रहे हैं, इन सब मिल जीवई घेरा, बिन परिचय ये जम को चेहरा। अब लोभ का परिवार, तृष्णा स्त्री लोभ की, लोभ की पत्नी है तृष्णा। वो तृष्णा क्या, धन और भी आ जाए, अतृप्ति, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कोड़ी संग न जात है केता दाम बटोर। मैं आपको उदाहरण दूं, साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, बड़ा खतरा है उनको, बड़े अशांत हैं, वो तो जेल में है, उनको भय है हमें कोई मार देगा। कोई क्यों मार देगा, उस धन के कारण मार देगा, धन लेगा। आप कभी अजमाना, किसी जंगली रास्ते से जाना पैसे साथ लेकर, किसी सुनसान रास्ते पर भय लगेगा, ये पैसा तो आपकी नींद भी हराम करेगा। अब कैसे नींद हराम करेगा मैं बताता हूं। मैं सीनियर सिटीजन हूं तो मुझे यात्रा करने में रेल में 40% रिबेट मिलती है, आजकल वो भी खत्म हो गई है। सीनियर सिटीजन को जो पहले मिलती थी छूट, वो खत्म कर दी गई है। पहले एक विचार से ये छूट मिलती थी कि वो धन अर्जन नहीं कर सकते, हो सकता है अकेले हो वो, तो ये एक छूट थी। खैर, मैं बिजनेस क्लास में सर्विस करता, अपना यात्रा करता ट्रेनों में, तो मैंने वहाँ आमतौर पर धनाढ्य लोग हैं, तो मेरे बगल में एक आदमी था, वो थोड़ी थोड़ी देर में चौंक कर उठता था, अपना सामान चेक कर रहा था। यानी वो नहीं सो पा रहा था। खैर, मैं तो एक चेतन निद्रा में सोया हुआ था, पर मैं उसको देख रहा था, मैं उसको देख रहा था, वो नहीं सो पाया। आधे आधे घंटे बाद उछल कर वो जागता था और सामान वगैरह देखता था। फिर एक बार मैं क्या देखा, एक आदमी बिजनेस क्लास में सर्विस कर रहा था, प्रथम श्रेणी में, उसने एक बड़ा सूटकेस अपने सराहने रखा था। अरे सर, सूटकेस सराहने क्यों रखा है, गर्दन टेढ़ी होगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी, नीचे रखना। अब जो लुटेरे चोर है वो जान जाते हैं, जब इसने इस चीज को संभाल कर रखा है, जरूर इसमें कुछ माया है। तो इस तरह से पैसा आपका चैन भी खत्म कर दे। देख नहीं रहे हो बड़े बड़े धनाढ्यों ने कितनी बहु मंजिली कोठियां बनाई है ताकि हमें कोई यहां करके किडनेप नहीं कर सके। भय नहीं है ये, भय जितना धन अधिक आएगा ना उतना आपको भयभीत कर, ये लोलुपता। तृष्णा स्त्री लोभ की ताको सुत है, पाप चिंता त्रह जाके चिथे करे सदा संताप। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कोड़ी संग न जात है केता दाम बटोर। अच्छा विधान है, संसार का जाने वाला एक चुटकी मिट्टी नहीं ले जा सकता है। लाखों लोग यहां प्रति घंटे में इस मृत्युलोक में मर रहे हैं, अगर एक मिट्टी की चुटकी ले जाकर जाता मरने वाला तो धरती पर पानी पानी होता, मिट्टी मिलती नहीं। व्यवस्था ऐसी है यहां से ना, मुट्ठी भींच के आया था, हाथ पसारे जाएगा,
कोई साथ नहीं ले जाएगा, पर ये सब चीजें अंदर बैठकर काम कर रही है। साहब ने बड़ा खूब कहा, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। अब दंभे का परिवार सुनना, फिर कितना सटीक प्रमाण दे रहे, जो जल बाड़े नाव में, भाई नाव कैसी भी होगी कुछ न कुछ पानी तो अंदर आ ही जाता है। पुराने जमाने में मैक्सिमम लकड़ी की नावें थी, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा पानी आता, तो वो उलीचते थे, बाहर फेंकते थे। अब साहब क्या कह रहे हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर घर में बाड़े दाम, दुई हाथ उलीचिए या सज्जन को काम। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अमीर परमार्थ नहीं कर पाते, कोई करोड़ों में एक होगा, क्योंकि परमार्थ करने वाला तो अमीर बन ही नहीं सकता है, वो तो अंदर से अमीर है। इसलिए किसी बहुत धनाढ्य आदमी से मदद की आकांक्षा मत करना, उनके पास लोभ तो है ही है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, साहब ने वाणी में साफ कहा है, मैं तो साहब की वाणी कह रहा हूं। घबराव खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं संसार को देख रहा हूं, साहब ने साफ कहा, संतो झूठे जग बतियाई। वाह, ये दुनिया झूठ पर चलती है, उस पर भरोसा करते, साच कहो तो मारन धाई, धाय के कहते का अर्थ है दौड़ कर मारने आएंगे, झूठ कहा नहीं जाएगी। संतो झूठे जग बतियाई। मैं एक बात जानता हूं, बड़े बड़े मठाधीश भी मेरी बहुत निंदा करते हैं, यहां तक कि मेरा नाम लेकर के बोलते हैं। कुछ तो लांछना ऐसी लगाते हैं अटपटी, आखिर उनका मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मुझ पर इतने क्रोधित क्यों हैं? जो मेरी साफ वाणी है वो सुनकर क्रोधित है। उदाहरण देता हूं, जब मैं एक बात कहता हूं, ये तो साहब की वाणी है ना, गिरस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही ते तज दीजिए। मेरे विचार से ऐसा कोई और प्रीचर बोल नहीं रहा है, इसलिए जो टीका टिप्पणी अप्रोक्ष रूप से होती है मुझ पर होती है। बात तो सच है, ये साहब ने कहा, जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए कीच कीच के धोवते, मैल न जाए कोई। मैं हजारों जगह ये बात दिखा सकता हूं, एक जगह थोड़ी। ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही थे तज दीजिए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गार्ड छुड़ावे कौन। फिर एक कठिन शब्द बोला साहब ने, ग्रही होकर कथे ज्ञान, वो माया के स्थूल बंधन भी नहीं छोड़ पाया है तो सूक्ष्म क्या छोड़ेगा वो, फिर वो तो स्थूल माया मोटी माया भी नहीं तज पाया है।
उनसे तो मोटी माया नहीं छोड़ी जा रही है। यहां तो साहेब अपेक्ष क्या कर रहे, मोटी माया सब तजे, ये तज देते हैं, जीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया जीनी सब इनको खाए, जब वो मोटी माया तजी नहीं पाया तो जीनी माया क्या तजेगा। जसो करवा तस निकरे टोटी, अब कहते हैं छड़ा छाण और कहता है फिर उदाहरण कहता है कि नहीं ग्रस्त गुरु न करना, क्योंकि मैक्सिमम जो गद्दियां हैं ग्रस्त वो सब ग्रस्तों में जा रही है। आजकल ऐसी प्रथा है, पर साच कहो तो मारंदा झूठ कहा नहीं जाए। जब गुरुआ कवि के गुरुआ लोग जाते हैं दुनिया से, तो वो गद्दी अपने बेटे को, अगर बेटा नहीं है पोत्रु दोत्रु को, भतीजे को भांजे को, किसी न किसी को दे देते, क्योंकि वो सोचते हैं ये धन जो हमने कमाया है वो कहीं और ना जाए। नहीं भाई, एक धर्म गुरु धन कमाता नहीं, वो तो पब्लिक ने धन दिया है, किसी संग्रह करने के लिए नहीं दिया है, लोक सेवा के लिए दिया, परमार्थ के लिए दिया। ये धन तुम्हारी कमाई नहीं है, गफलत में हो। मैं कहता हूं धर्माचार्यों को घमंड नहीं करना चाहिए पैसे का, उनके पास कुछ नहीं है, क्षमा चाहता हूं। ब्लैक थंडर लेकर के आज के कलयुग के महात्मा घूम रहे, खतरा है। क्या खतरा है, मैं पूरी दुनिया में अकेला घूम रहा हूं, ठीक है, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। कुछ तो इतने भयभीत है, धन डराएगा। यहां साहब कह रहे हैं गांठी दाम न बांधी नारी से नहीं ने, कबीर ऐसे संत की मैं चरणों की खैर। तब वो फिर क्या करते हैं, और आप देखें अगर कोई गुरुआ मर गया, वंशक गुरु, संतान नहीं है तो जनानी बैठ जाती है गद्दी पर, ये कैसी प्रथा है। यहां साहब एक अपेक्ष करके गए, धर्मदास को एक हिदायत देके गए, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई, नाद बिंद से कर गुरुआई। नाद पुत्र वो है, नाद शब्द को कहते हैं, जो आपका दीक्षा से पुत्र है उसको गद्दी देना, जो आपके बीज से पैदा हुआ है उसको कभी गद्दी नहीं देना। कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में मार खाएगा, और सही बात है, वो मेरे साथ हुआ है। कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में मार खाएगा, पता है मुझ पर 5,000 लोगों ने भी हमला किया और 12 आश्रम जला दिए, मैं तो साहेब की बात बोल रहा हूं ना। कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। अब वो प्रतिउत्तर में क्या कहते हैं, छड़ा छाण ब्याह न शादी, उदाहरण देते हैं, फिर हमें कई समझ में आ जाता है। आप पर कोई अपेक्ष करे 50 आदमी के बीच में भी, तो आप जान जाते हैं अपेक्ष मुझ पर है, समझ आती है, पेशे से अध्यापक भी हूं, समझ में आ जाता है वो मुझे अपेक्ष कर रहा है, कोई और बोल ही नहीं रहा है ये बात ना जो मैं बोल रहा हूं। वो बोलेंगे कैसे, वो सब ग्रस्त गद्दी है। अब साहब क्या कह रहे हैं, साहब ने विरक्त और ग्रस्त दोनों के पार होने का रास्ता बोला। धर्मदास जी ने साहब से पूछा ग्रस्त की रहनी कैसी और विरक्त की रहनी कैसी, थोड़ा इस पर मैं आता हूं फिर यहां पहुंचूंगा।
कह रहे हैं ग्रही भक्त सुनो धर्मदासा जय ले गहे न पड़े न फांसा। अब ग्रस्त और विरक्त दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं, दोनों की लाइन दे रहे हैं, पर गुरु ग्रस्त नहीं हो। ये अपार सिद्धांत है साहब। अब यहां लोगों ने जानकर क्या किया, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब इन्होंने जोड़ दिया कबीर साहब भी ग्रस्त थे और साहित्य में पढ़ाया जा रहा है, ये साजिश है। साहिब की उस वाणी पर थोड़ा गौर करना, ये साजिश है। चदरिया जीनी रे जीनी में साहिब क्या बोल रहे, दृढ़ प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल की नहीं चदरी। अंतिम अंतरे में बोल रहे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्द नहीं चदरिया, ज्यों की त्यों यानी कभी वो विषय भोगी नहीं किया और कहानियां बना दी है तमाम, क्योंकि वो ग्रस्त गुरुवार ने सोचा प्रमाण अच्छा देते हैं। कहीं नानक देव जी महाराज कह देते हैं कि वो भी ग्रस्त थे, मैं कहता मेरे भैया ग्रस्त थे लेकिन जब दुनिया का कल्याण करने निकले तो वो पूरी सब चीज छोड़ कर चले थे और जाते समय गद्दी अपने दोनों पुत्रों में किसी को भी नहीं दी। वो महान संत थे, उनकी उपमा क्यों दे रहे हो? अब वो अपने को बचाने के लिए प्रमाण दे रहे हैं ना, ग्रस्त गुरु कमो न कीजिए, ये सिद्धांत अफेल है। हाँ, शेला ग्रस्त वृक्त दोनों के लिए रास्ता है। अब साहब बोले गई भक्त सुनो धर्मदासा जह ले गई गई न पड़े फांसा। बोला ग्रस्त के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, वो सुनो धर्मदास। काग दशा सब दे बहाई, कौए वाली दशा पूरी छोड़े, जीव दया दिल राग समाई, जीवों के लिए दया रहे उसे, मीन मांस मत निकट न जाई, अंकुर भक्त सो सदा खाई। मांस मछली कभी नहीं खाए, मद नशे को करे वो न करे, लेवे पान मुक्ति सैदानी, जाते काल न रोके आनी, गुरमुख प्रीत उर आना। वाह, प्रेम भाव सदगुरु से राखे, सेवा सत्य भक्ति चिद राखे, गुरु सेवा पर सर्वस्वारे, सेवा भक्त गुरु की धारे, सिमरन जो गुरु देह बताई, मन विच कर्म सो सुमरे भाई। बोला हे धर्मदास, ये ग्रस्त के लक्षण, ग्रस्त में वो कैसे संसार सागर से पार होगा, वो संक्षेप में साहब बोल रहे हैं। अब विरक्त का क्या बोल रहे हैं वो सुनना। वैरागी अशाल बताऊं, तजे अखज तब हंस कहाऊं, मांस मदरा का कभी सेवन न कर, प्रेम भक्ति आने और माई, द्रोह घात दिख चितवे नाई, द्रोह घात उसमें नहीं हो जो साधु हो जाते, जीव दया राखे ये माई, मन वच कर्म घात कोई नाई, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न दे, लेवे नाम मुक्ति की छापा, जाते मिटे कर्म भ्रम पापा, और सच्चा नाम प्राप्त हो जाए इससे वो रुख हंस दशाधर पथ चले, स्वर्ण कंठी तिलक लगावे, रूखा फीका करे आहारा, निस्दिन सुमरे नाम आहारा, इंद्रियों को साध ले और पुन ले तुम्हारो नामा, पठोता है अमरपुर धामा, कर्म भर्म सब देह बहाई, सार शब्द में रहा समाई, कर्म भर्म से परे हो, नार न परसे बिंद न खोए, क्रोध कपट सब दिल से धोए, विषय विकार न करे क्रोध कपट वो करे, नरक खा नारी का त्यागे, एक चित होए शब्द गुरु लागे, बाकी कहीं ध्यान नहीं रहे उसका, पर ग्रह आजा नाना जंजाला, वैरागी के लिए रास्ता अलग है। क्रोध कपट सब दे बहाई, क्षमा गंग में पैठ नहाई, रहे अजाच न जाचे काओ, किसी की जात बरादरी ऊंच नीच ये न देखे, सब में आत्मा देखे, क्या प्रजा क्या राजा साहू, पश्चिम लहर जगावे जानी, अजपा जा भजन ढूंढानी। मैं कह रहा हूं कबीर साहब की वाणी का लोग अपनी सहूलियत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और जैसे ना कोई एडिटिंग कर देता है, इसलिए कोर्ट
टीवी की चीज को जल्दी नहीं मानती, टेप रिकॉर्डर को भी जल्दी नहीं मानती। वजह, ये एडिटिंग करके किसी का कुछ भी बनाया जा सकता है। रहत रहे बहे नहीं कभी, सो बैरागी पावे हमें, यानी विकारों में न जाए, हमें मिले हमें असोई, दुबदा भाव मिटावे सोई, गुरुचरण में रहे समाई, तजे ब्रह्म और कपट चतुराई, गुरु आज्ञा जो नरकत रही, ताका खूंट काल ना गई, गुरु प्रतीत चित राखे मौसम, गुरु को भाके मेरे समान ही गुरु को समझे, गुरु सेवा में सफल पावे, गुरुमुख नर पार न, गुरु विमुख नर पार न पावे। वाह, गुरु विमुख नहीं है, जैसे चंद्र कुमोदनी रीति ऐसे गहे शिष्य अस गुरु प्रतीति, चंद्र और कमोदनी की जैसे प्रीत है इसी प्रकार गुरु का हमेशा ध्यान रखे, ऐसी रहन रहे वैरागी, जय गुरु प्रीत सोई अनुरागी। मैं एक जगह और भी उदाहरण देता हूं, आप इससे अंदाज लगाएं, समय अभाव होता है तो भी मैं थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है। कई जगह साहब ने इसके प्रमाण दिए हैं, अब सुन उन हंसन की मानी, व्यंग मन मता हंस पहचानी, जग में रहे कमल असभाव, तन मन यौवन सब विसराव, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी, उसके साथ रहकर भी कीचड़ की दुर्गंध नहीं लेता है, अपना स्वभाव रखता है, उसके अस्तित्व को कीचड़ ही संभालती है, इस तरह भाव सागर में रहकर जो इंद्रियों को साधने वाला है वो महापुरुष है। दे यहाँ सुरती गुर चढ़ना, सूझे नहीं सुखजीव न मरना, जैसे सर्प काचरी जाने काया को ऐसे कर माने, साधु के लक्षण। गुरु शिष्य एक मत होई, एक प्राण दुई है दी, सो कन्यार गुर नहीं भाई, सोई जाने ताके ताई, सोई हंस जानो सब दूरी, जिनको कहिए पुरुष अजूरी, ज्ञान ध्यान सद्गुर मन प्यारा, सदा हजूर पलक न न्यारा। इस प्रकार उसके लिए तो निरंतर सुमरणीय है, विरक्त के लिए। हाँ, भक्ति तो दोनों कर सकते हैं, ग्रस्त भी विरक्त भी, लेकिन भाइयों दीक्षा ग्रही को वर्जित है साहित्य उससे, इसलिए कालांतर के जितने भी संत हैं अगर उनकी तरफ आप देखेंगे तो सब विरक्त हुए हैं, बाद में लोग हवाला देते रहते हैं अपने को पर्दा डालने के लिए। अब गर्व, गर्व का परिवार सुने, निंदा बनिता गर्व की, जाको अपयशपूत, अब कीर्ति ताकी वधु, प्रकट नरक कशदूत। वाह, इसकी पत्नी है गर्व की निंदा, जिसमें घमंड होगा वो दूसरे को स्थापित नहीं होने देता, उसका पुत्र है विरोध, वो विरोध ही करता रहेगा, सापर्धा यानी सुपर्धा भी कह सकते हैं, बस वो एक अच्छी सुपर्धा तो ठीक है लेकिन किसी को नीचा दिखाने की सुपर्धा ठीक नहीं है। मेटे उर्को बोध, अंदर के ज्ञान को मिटाने वाले ही है। तो बंधुओं आज के प्रवचन का सार यह है, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। इसलिए ये हुजरे के अंदर बहुत बड़े कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट चढ़ जाए, बड़े बड़े धुरंधर शत्रु बैठे हुए हैं जो इस आत्मा को बांधे हुए हैं, ये सब दिखते नहीं हैं,
पर जैसे नाम की ताकत आ जाती है बलहीन हो जाते हैं। जिस तरह अंधकार से अज्ञान, संशय और दुख की उत्पत्ति होती है, लेकिन रोशनी करने के साथ सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए गुरु हृदय प्रकाशित कैसे करता है? नाम की ताकत से गुरु अंदर का ज्ञान देता है, तब ये जीव गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हो कोटिन भांत कर, तब पात्र बन जाता है। मैं क्षमा चाहूँगा, समय अभाव है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, COVID-19 के कारण इस समय दशा बहुत जटिल है। मैं कल की बात पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 15-20 दिन पहले सबको आहूत किया था कि 18 अप्रैल को मेरे 72वें जन्मदिन पर यहाँ पधारें और यहाँ की शोभा बढ़ाएं। उस समय ये स्थिति नहीं थी। अब COVID-19 बहुत हाईली स्प्रेड हुआ है, बहुत ज़्यादा कुपित हुआ है, इसलिए मैं संगत से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ भीड़ न करें। नज़दीकी लोग जम्मू कश्मीर आदि के जो आते हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, 18 अप्रैल को बंदगी किया, बधाई दिया और घर चले। कभी भी 50 साल के इस अंतराल में मैंने किसी को भी नहीं कहा आश्रम से जाओ, कभी नहीं कहा। हाँ, कोई दोष किया तो अलग बात है, आपका है, लेकिन इस समय थोड़ी ये विषमता है, इसे समझिएगा बस, और कोई बात नहीं। आपका आश्रम है, फिर कभी भी आ जाना। 30 अप्रैल तक के लिए बैन कर दिया है, वो नोटिफिकेशन दिया, फिर उन्होंने वो वहाँ के थाने को भी दिया है, DM को दिया है, SDM को दिया है, पुलिस को दिया है कि इस पर कड़ाई से इसका पालन किया जाए। तो हम एक साधारण इशू के कारण से पंथ को थोड़ा सा दूषित नहीं करना चाहते, यही बात है। आपका आश्रम में कभी भी आए, लेकिन थोड़ा इस समय परहेज के साथ साहब।